हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी रथा देवीदासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चाट्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं अलग अलग। आज हम बनाने जा रहे हैं भेलपूरी। भेलपूरी को चुरुमुरी, चुरमुरी या झालमुरी के नाम से भी जाना जाता है। भेलपूरी जो है वो एक स्ट्रीट फूड है और ज़्यादातर मुंबई भेल बहुत ही प्रख्यात है। यह जो डिश है वह हम घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। भेलपूरी में भी अलग अलग टेक्सचर और फ्लेवर्स रहते हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, स्पाइसी, थोड़ा सा स्वीट, सॉल्टी, क्रंची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भेलपूरी। भेलपूरी के लिए हमें पापड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे। एक कप मैदा लेंगे मिक्सिंग बाउल में, 2 चम्मच बेसन या फिर चने का आटा लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच जितना अजवाइन लेंगे और इसे हम हाथों से मसल कर इसमें डालेंगे, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। 2 टेबलस्पून जितना यानी कि 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। आप सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने उसके मेज़रमेंट्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका मीडियम सॉफ्ट आटा बनाएंगे। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ऐसा आटा बनाना है हमें इसका। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटा गूंद लेंगे। आटा गूंद कर रेडी है और इसमें हमने टोटल 1/4 कप और प्लस 2 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुकी है। आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे ताकि वह स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल तैयार है। इसके हम 2 लोए बना लेंगे बड़े से। 1 लोया लेंगे और चपाती के जैसा हम इसे बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं, ऐसा बेलना है। मीडियम थिकनेस रखनी है हमें इसकी। तो चपाती बनकर तैयार है। यहाँ पर एक छोटी कटोरी ली है, आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सर्कल्स बना लेंगे छोटे छोटे। बाकी का जो आटा है वह निकाल कर उसे भी हमें यूज़ करना है। फोक की मदद से उस पर ऐसे होल्स कर लेंगे ताकि फ्राई करने के टाइम पर वह फूल ना जाए पापड़ी। सभी को हमें ऐसे ही बेल कर तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने तेल गरम करने रख दिया था, लो फ्लेम रखना है अभी और इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी और क्रिस्पी भी नहीं रहेगी पापड़ी ज़्यादा देर तक, तो लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। सभी साइड से फ्राई करते रहेंगे। 6 से 7 मिनट हो गई है और हमारी पापड़ी तलकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और दूसरी पापड़ी भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सभी पापड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे 2 से 3 वीक तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और इसे पापड़ी चाट या भेलपूरी में यूज़ कर सकते हैं। भेल बनाने के लिए यहाँ पर हमने सेव ली है, थोड़े से फ्राई किए हुए मूंगफली के दाने, खीरा लिया है, आलू बॉईल किए हुए, टमाटर और कच्चा आम लिया है। यहाँ पर हमने चना दाल ली है, मसाला चना दाल। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर इसे शेयर करेंगे। चाट मसाले लिए हैं,
चाट मसाला की रेसिपी हमने पहले भी शेयर की है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कोई भी चाट का मेन इंग्रेडिएंट्स जो रहता है वह है चटनी। तो यहाँ पर हमने दो चटनी ली है, एक है खजूर इमली की चटनी और दूसरी है हरी चटनी। दोनों ही चटनी की रेसिपी हमने पहले शेयर की है और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे, 3 कप यहाँ पर हमने कुरमुरा लिया है, 1/2 कप बारीक काटा हुआ खीरा डालेंगे, 1/4 कप आम लिया है बारीक काटा हुआ, 1 आलू को बॉईल करके कट कर लिया है, 1/4 कप तले हुए मूंगफली के दाने और 1/2 कप मसाला चना दाल। 1 बारीक काटा हुआ टमाटर लेंगे, 1/4 चम्मच जितना नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक काटा हुआ धनिया, 3 बड़े चम्मच हरी चटनी, 5 से 6 बड़े चम्मच खजूर और इमली की चटनी डालेंगे। हमने जो पापड़ी बनाकर रखी थी वह 6 से 7 लेंगे और इसे तोड़कर हम इसमें डालेंगे। आधा कप सेव लेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी जो है वह आपके स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा उसमें डाल सकते हैं। सब कुछ मिक्स हो गया है और भेलपूरी बिल्कुल तैयार है, हम सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा कच्चा आम, टमाटर, बारीक कटा हुआ खीरा, थोड़े से मूंगफली के दाने, चना दाल, थोड़ी सी सेव डालेंगे, हरा धनिया। भेलपूरी बिल्कुल तैयार है, पापड़ी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। अगर कच्चा आम अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो घर पर बनाई हुई भेलपूरी बिल्कुल तैयार है। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। भेलपूरी का भोग भगवान जी को लगा दिया गया है, आप भी बनाइए और ठाकुर जी को भोग अर्पण कीजिए। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।